हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप एक पीएफ मेंबर है दोस्तों, तो आज की वीडियो में आप लोगों को एक डॉट एक कंफ्यूजन में क्लियर करने वाला हूँ। काफी बड़ा सा डॉट है दोस्तों। मैं सबसे पहले डॉट्स में आपको बता देता हूँ दोस्तों। अगर आप किसी भी कंपनी में जाकर ज्वाइन होते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले आपका पीएफ अकाउंट ओपन होता है। वहाँ पर दोस्तों अपने 5 साल काम करते हैं, 2 साल काम करते हैं, 1 महीना काम करते हैं, 6 महीना काम करते हैं, या तो फिर 1 दिन भी आप काम करते हैं, उस हिसाब से दोस्तों आपके पीएफ अकाउंट में कुछ पैसा जमा होता है। जैसे पेंशन के रूप में भी जमा होता है और पीएफ के रूप में जमा होता है। आप उस कंपनी में 10 साल तक काम किए, 6 महीना तक काम किए, काम करने के बाद उस कंपनी को आप छोड़ दिए। जाहिर से दोस्तों, जब आप कंपनी छोड़ देते हैं तो आपके पीएफ अकाउंट में पीएफ का पैसा होता है और पेंशन का भी पैसा होता है। इस स्थिति में दोस्तों आपके मन में एक डॉट होता है, जो मेरे पीएफ अकाउंट में पीएफ का पैसा पड़ा हुआ, पेंशन का पैसा पड़ा हुआ, तो मैं उस अकाउंट में कितना दिन तक रख सकता हूँ। समझिएगा, कितना दिन तक रख सकता हूँ। क्या मैं 10 साल तक रख सकता हूँ, 20 साल तक रख सकता हूँ? अगर रखूँ तो क्या अकाउंट बंद हो जाएगा या चालू हो जाएगा? क्या अगर मैंने 10 साल तक भी रखा, 5 साल तक भी रखा, तो पीएफ जो पैसा होता है उस पर क्या ब्याज लगातार मिलता रहेगा? अगर मिलता रहेगा तो कितना साल तक मिलता रहेगा और कितना मिलेगा? इस सब के बारे में जानकारी मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। और साथ साथ दोस्तों ये भी आपको बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों, अगर आपके पीएफ अकाउंट में पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा है तो जो ब्याज मिलता है क्या दोनों पर मिलेगा? अगर मिलेगा तो कितना दिन तक मैं रख पाऊंगा अपने पीएफ अकाउंट में? या तो नहीं रखता हूं तो क्या बंद हो जाएगा या चालू रहेगा? अगर रखता हूं तभी क्या मेरा पीएफ अकाउंट बंद हो जाता है या चालू हो जाता है? इसमें ईपीएफओ को क्या कहना है, इसमें ईपीएफओ को क्या नियम है, इस वीडियो के माध्यम से मैं ए टू जेड में आप लोगों को जो डाउट होगा इस प्रकार से मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो ये वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल और काफी नॉलेजेबल होने वाला है, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तो आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लेना। चैनल पर नए होंगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर मैं इसी प्रकार हेल्पफुल कंटेंट हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जब भी किसी कंपनी में आप ज्वाइन होते हैं तो वहाँ पे पीएफ अकाउंट आपका ओपन होता है। जब उसमें पीएफ अकाउंट ओपन होता है, टाइम टू टाइम कुछ पैसा जमा होता है, जितना आपने काम करते हैं उसके हिसाब से जमा होता है, ठीक है। कंपनी छोड़ देने के बाद दोस्तों आप अपने पीएफ अकाउंट में पीएफ का बैलेंस छोड़ दिया, ठीक है। अब दोस्तों जो पीएफ का बैलेंस आप छोड़ दिया है, पीएफ का भी है और पेंशन का भी पैसा आपके पीएफ अकाउंट में जमा है, ठीक है। आपको सबसे पहले दोस्तों पीएफ को आप जो पैसा होता है उसी पर ब्याज दिया जाता है पीएफओ द्वारा, पेंशन के पैसा पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं मिलता। आपका डाउट पहले क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों रहा सवाल, आपका जो पीएफ अकाउंट में पीएफ का बैलेंस पड़ा हुआ है वो कितना दिन तक रख सकते हैं? तो यहाँ पे जो दूसरा डॉट था मैं क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। आप अपने पीएफ अकाउंट में 36 महीने तक ही रख पाएंगे और वहां पर दोस्तों आपका जो ब्याज मिलेगा वो 36 महीने तक ही मिलेगा। अगर दोस्तों आप 36 महीने से ज्यादा रखते हैं पैसा तो क्या हो जाता है, आपका इनएक्टिव में माना जाता है, इनएक्टिव कब माना जाएगा? अगर दोस्तों 36 महीने तक आपने रखा और किसी भी प्रकार दोस्तों आप अपने पीएफ अकाउंट से क्लेम नहीं किया है, समझिएगा, अगर दोस्तों अपने पीएफ अकाउंट में पीएफ का पैसा या पेंशन का पैसा जमा रखा और 36 महीने के अंदर भीतर आप किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं किया है, नहीं किया 36 महीने, जैसे दोस्तों 1 महीना 2 महीना बीतेगा उसके बाद दोस्तों आपका अकाउंट जो होगा इनएक्टिव में चला जाएगा। जब दोस्तों आपका पीएफ अकाउंट इनएक्टिव में चला जाएगा, इस स्थिति में दोस्तों आपका जो पीएफ का बैलेंस पड़ा हुआ है आपके पीएफ अकाउंट में, उस पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं मिलेगा। तो इस सिस्टम आपको क्या करना होगा, तो हर 36 महीने के अंदर दोस्तों आपको एक बार क्लेम कर लेना है। जब क्लेम कर लेंगे दोस्तों तो आपका पीएफ अकाउंट जो होगा एक्टिव माना जाएगा। जब एक्टिव माना जाएगा दोस्तों तो हर साल में जो ईपीएफओ द्वारा तय किया जाता है इंटरेस्ट रेट, वो इंटरेस्ट रेट दोस्तों आपका पीएफ बैलेंस पर हर साल आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कितना दिन तक रखना है। अगर लगातार 10 साल तक रखते हैं दोस्तों तो आपको हर 36 महीने के अंदर आपको उसको रिन्यूअल कराना होगा, मतलब एक्टिव कराना होगा। एक्टिव कराने के लिए क्या किया जाता है, हर 36 महीने के अंदर दोस्तों आपका पीएफ अकाउंट से कुछ पैसा को विड्रॉ करना होगा क्लाइम के तौर पे, तभी दोस्तों अपने पीएफ अकाउंट में अपना पीएफ अकाउंट को एक्टिव रख पाएंगे और आपके पीएफ जो बैलेंस पड़ा हुआ है उस पर आपका ब्याज मिलता रहेगा। और आपको ध्यान देने वाली बात ये भी है, जो आपका ब्याज मिलता है दोस्तों, तो अगर आप लंबा टाइम तक रखते हैं तो आपका पीएफ बैलेंस पर जो ब्याज मिलता है उस पर भी इंटरेस्ट रेट काटा जाता है ईपीएफओ द्वारा। तो आशा करें दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे पाया हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तो दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पे वीडियो नीचे आपको रेड कलर सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना दोस्तों। बेल घंटे भी आपको प्रेस कर लेना है ताकि आने वाला हर नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। फिर से मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक जय हिंद जय भारत।